सुप्रभात क्लास वन। क्लास वन आज के आपके हिंदी का विषय है ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा से आज हम पहले शब्द पढ़ेंगे और फिर ये गीत या जो भी बोलो आप, पोएम बोलो, ये पढ़ेंगे। तो पहले ओ की मात्रा से शब्द देख लेते हैं। ढ में ओ की मात्रा ल क ढोलक, त में ओ की मात्रा त में आ की मात्रा तोता, क में ओ की मात्रा य ल कोयल, म में ओ की मात्रा र मोर। ठीक है, ये जितने भी लाल इंक से किए हुए अक्षर हैं या मात्रा है, ये ओ की मात्रा है। तो सबसे पहले ढोलक है, फिर तोता, कोयल, मोर। ठीक है, फिर हम पहले पढ़ते हैं कि ओ की मात्रा और एक अक्षर, ओ की मात्रा अक्षर और आ की मात्रा, ओ की मात्रा और अक्षर अक्षर, ये पढ़ेंगे। तो नोट, चोट, कोट, वोट, भोला, गोला, मोटा, छोटा, मोटर, जोकर, बोतल, कोय। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतर। भर, भोर, चर, चोर, बोल, बोलो, मर, मोर, गल, गोल, तोड़, तोड़ो, तल, तोल, बल, बोल, तोल, तोलो। इसके बाद हम अब इसकी पोएम पे आते हैं। तो नाचो गाओ होली है, होली का दिन है, नाचो गाओ सब खुश हैं। होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे। होली का दिन था और सभी जानवर बहुत चुपचाप बैठे थे, उदास, गुमसुम बैठे। तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे। तो तोता और कोयल कहाँ बैठे थे, देखो आप इस पिक्चर में, पेड़ पर बैठे। तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया, तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया, कोयल ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया। अब होली का दिन था तो गुलाल मतलब रंग होता है, तो रंग डाल दिया कोयल ने, तोते ने गुलाल पानी डाला और कोयल ने रंग डाल दिया, खरगोश पीला हो गया। तो जो गुलाल था वो पीले रंग का था, तो खरगोश क्या हो गया, पीला हो गया। लोमड़ी बोली, होली है भाई, होली है। लोमड़ी, यहाँ पे देखो आप, लोमड़ी दिख रही होगी, ये बोली होली है भाई, होली। नाचो गाओ होली है। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, घोड़े ने ढोल बजाया। यहाँ आप पिक्चर में सब देख पाओगे, घोड़े ने ढोल बजाया, कोयल कोयल गुलाल डाल रहा है, तोता पानी डाल रहा है और लोमड़ी यहाँ पे होली है होली गा रही। मोर खुश होकर नाचा, तो मोर का क्या काम है, नाचना, तो मोर खुश होकर नाचा। सब गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ, होली का दिन आया। सब क्या गाने लग गए, नाचो गाओ खुशी मनाओ, होली का दिन आया। तो यही आपका आज का चैप्टर है, विषय है, इसे पढ़ लीजिएगा और वर्कशीट इस जो पोएम है या गाना है इसके मुताबिक, इस कहानी या पोएम जो भी है इसके मुताबिक अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिएगा कि उसमें जो क्वेश्चन है वो किसने क्या किया या कौन क्या कर रहा था, कौन क्या बोल रहा था, ये सब है। तो उसके हिसाब से आपको इस वर्कशीट को करना है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।